नमस्कार जोहार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। कोयला, मैं फिर से वही कह रहा हूं, कोयला। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कोयला। यह कोयला वही है जिससे यूं समझिए कि झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था की रीढ़ की सबसे मजबूत हड्डी इस कोयले पर ऐसे टिकी हुई है। लेकिन झारखंड में कुछ लोग हैं, झारखंड के बाहर भी कुछ लोग हैं, बड़ी बड़ी हथौड़ी लेकर के रोज आते हैं और उसी हड्डी पर वार कर देते हैं। यूं मतलब कसम खा रखी है कि भैया ये जो रीढ़ की जो सबसे मजबूत हड्डी है ना, उसे चकनाचूर कर देना है, और कुछ इस कदर चकनाचूर कर देना है कि यह हड्डी रिम्स में भी ना जुटे। क्यों? इसलिए कि वो चाहते हैं कि झारखंड मुंह के बल गिर जाए। एक ऐसा ही वार आज हम आपको दिखाएंगे और हम सबको एक साथ मिल करके इस वार को रोकना है। बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसे वार नहीं रोकेंगे तो याद रखिएगा, झारखंड मुंह के बल गिरेगा और उसका सबसे ज्यादा असर हम झारखंडियों पर पड़ेगा। तो आज वो वार दिखाएंगे आपको, कोयले का खेल नहीं, महाखेल दिखाएंगे आपको, और सब बातें होंगी डंके के चोट पर। खेल तो कोयले का हम आपको अक्सर दिखाते हैं। मैंने आपको कहा कि आज मैं आपको महाखेल दिखाऊंगा। अच्छा, हमारे देश की सियासत भी गजब है। मैं सिर्फ झारखंड की नहीं, आज पूरे देश की बात कर रहा हूं कि देश की सियासत भी गजब है। क्यों गजब है? कि भैया ये सियासत जो है ना, आज से कुछ दिन पहले मैंने देखा कि ये सियासत जो है, ये भकचोनहर शब्द के इर्द गिर्द घूम रही थी। ठीक है, लोग क्या चर्चा कर रहे थे, वो एक तरफ से बोलते थे लोग भकचोनहर शब्द अश्लील शब्द है, तो दूसरी तरफ बोलते थे ना ये संवैधानिक शब्द है, तो तीसरा बोलता था ना भकचोनहर जो है वो गैर संवैधानिक शब्द है। इस पर चर्चा हो रही थी। तो बताइए, पेट पकड़ के हंसेंगे नहीं आप? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, मैं बताता हूं। धनबाद में कोयला है, कोयले का जिम्मा बीसीसीएल के पास है, सबको पता है। लेकिन हमारे झारखंड में ये जो बीसीसीएल है, इस बीसीसीएल के जो अधिकारी हैं, असल में वो भों हैं। अब भों क्यों है ये मैं बताता हूं आपको। मैं तो कहता हूं कि तमाम जो पदाधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, वो देखना ही नहीं चाहते कुछ चीज को। न्यूज 11 भारत एक दिन जाता है, चेक करता है, बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं। अब खेल नहीं, महाखेल मैं आपको कैसे दिखाता हूं वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप हमारी रिपोर्ट देख लीजिए, उस रिपोर्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि कोयले का महाखेल जो है वो चल कैसे रहा है और बीसीसीएल के अधिकारी भों क्यों है। मैं जो भी बात कहता हूं डंके की चोट पर कहता हूं, यह भी डंके की चोट पर कह रहा हूं। देखिए एक बार कोयले से जुड़ी हुई महाखेल की यह रिपोर्ट। बीसीसीएल की, बीसीसीएल घाटे में है, पावर सेक्टर को कोयला सप्लाई नहीं हो रहा है, आने वाले समय में बिजली की कटौती हो रही है, अब उनको अपने मजदूरों को देने को लेकर के पैसे नहीं है। लेकिन इसका वानगी आपको बताऊंगा, ऐसे क्यों समस्या उत्पन्न होती। इस वक्त हम सिजुआ के रैक लोडिंग प्वाइंट पे, देखिए यहाँ पे रैक लगे हुए, रेलवे की रैक है और ये लोडिंग प्वाइंट है, यहाँ से ये रैक लोड होंगे और पावर प्लांट को कोयला जाएंगे। और देखिए पावर प्लांट को कोयला जाने से पहले, या फिर किसी निजी सप्लायर जो काम करते हैं कोयले का, उनको कोयला बिजनेस पहले कोल क्रशिंग किया जाता है और साइज को 100 mm रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरह से बड़े बड़े साइज यहाँ पे रखे गए, तो कोल क्रशिंग मशीन लगा दिए जा गए हैं यहाँ पे माँ अम्बे आउटसोर्सिंग की तरफ से, लेकिन क्रशिंग सही तरीके से नहीं किया जा रहा। और जो यहाँ पे देखिए इसको डोजर मशीन बोलते हैं, इधर भी डोजर मशीन है और मेरी दाहिनी ओर भी डोजर मशीन है। हालांकि जब हम यहाँ पे पहुंचे तो डोजर मशीन को बंद कर दिया गया, और जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो इसी डोजर मशीन से इसको क्रशिंग किया जाएगा। तो बात समझिए आप, इससे क्रशिंग करने से जो जितना नुकसान होता है, पत्थर भी इसमें मिक्स किए जाते हैं और वैसे कोयले को भी मिक्स किया जाता है कि जो पावर प्लांटों को जरूरत नहीं होती और पावर प्लांट इससे घाटे में जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है और इस सिस्टम को बिगाड़ने वाले यहाँ के बीसीसीएल के अधिकारी हैं, एरिया मैनेजर हैं, सेल्स ऑफिसर हैं और कई तमाम लोग जो साइड इंचार्ज हैं, उनकी मिलीभगत से ऐसे गोरख धंधा किए जा रहा है। कोयले का खेल देखा, आज महाखेल देखिए। बीसीसीएल सुस्त, अधिकारी मस्त, सरकार पस्त।
ई ऑक्शन में कंपनियां खरीदती हैं आरओएम कोयला, लेकिन उठाती हैं स्टीम कोयला। अब इस खेल को आसान गणित से समझिए। आरओएम कोयला है 3797 रुपए टन, लेकिन जो कोयला उठता है वो है 10,000 रुपए टन वाला स्टीम कोयला। ये 10,000 रुपए टन वाला भाव हमने कम ही बताया है, असल में कोयला और महंगा है। अब एक रैक से 4,000 टन कोयला लोड होता है, एवरेज मान ले तो एक लोडिंग पॉइंट से 17 रैक लोड होते हैं, और धनबाद में बीसीसीएल ने 10 से ज्यादा रैक लोडिंग पॉइंट बनाए हैं। तो एक रैक से लोड होता है 68,000 टन कोयला, 10 लोडिंग पॉइंट से लोड होता है 6,80,000 टन कोयला। 10,000 रुपए टन वाला कोयला हुआ कुल इकाई दहाई सैकड़े हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, यानी 6,80,000,000,000 रुपए का। लेकिन कंपनियों ने पैसा दिया है इकाई दहाई सैकड़े हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, यानी 25,81,96,000 रुपए। तो नुकसान हुआ इकाई दहाई सैकड़े हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, यानी 42,18,04,000 रुपए। अब इस खेल को जब आप समझ गए हैं तो जान लीजिए कि इसी से जुड़ी एक चिट्ठी लिखी गई है भारत सरकार को, और उस चिट्ठी को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिकायतकर्ता एक कोयला व्यवसायी है, कोल ट्रेडर है, नाम है अमृत सिंह। अब सुन लीजिए शिकायतकर्ता को। लोडिंग होगा प्राइवेट रैक का, उसका वीडियोग्राफी करा करके लोडिंग कराया, जिससे सुनिश्चित हो सके कि हाँ सही कोयला जा रहा है, जो -100 mm का जो ऑफर है, हाँ -100 mm ही जा रहा है। ये गोरखधंधा करता कैसे है? ये लोग मैनेज कर लेता है, ये लोग प्राइवेट बाहर का पार्टी सब है, यूपी का पार्टी लोग है, ये लोग रेक लगाता है, ये लोग 3,000-4,000 में रेक का -100 ml मतलब कोयला, मतलब बहुत छोटे साइज का कोयला के लिए लोग ऑफर बीसीसीएल निकालता है, ये लोग उसको में बीडिंग में पार्ट लेकर के उसमें बुक करता है अपना रेक, और उसके बाद मैनेजमेंट को मैनेज करके कुछ पैसे अपना जो भी सिस्टम से लो अपना मैनेज करके स्टीम कोयला ले जाता, लोकल नेता होता को मैनेज। गजब बात ये है कि इस खेल में शामिल ज्यादातर कंपनियां बाहर की। अब इस बीडिंग लिस्ट को देखिए, इस ई ऑक्शन वाली कंपनियों को देखिए। एसबीसी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को 6 रेलवे रैक, श्री बालाजी कोल कंपनी को 14 रैक, गोदावरी कॉमोडिटीज लिमिटेड को 12 रैक, जीवनी फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड को 7 रैक। अब आप अपना गणित लगाते रहिए कि किसको कितना नुकसान है। हम आपको सिर्फ सिजुआ रैक पॉइंट का आंकड़ा बता रहे हैं। अब सोच लीजिए कि बाकी रैक पॉइंट का आंकड़ा सब जोड़ के आपको बता देंगे तो आपको कहीं दिल का दौरा न पड़ जाए। बहरहाल इन जगहों पर शायद बीसीसीएल के अधिकारी नहीं पहुंचते, पर न्यूज 11 भारत पहुंचा, हमको जो दिखा वो आपको भी दिखा देते हैं। के नाम पे गड़बड़ जाला तो हो ही रहा है बीसीसीएल में, रैक लोडिंग और कोयले के ऑक्शन में भी गड़बड़ जाला हो रहा है। कैसे तो मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पीछे देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है कोल क्रशिंग के लिए कोयला लेकर के जा रही है। कोल क्रशिंग होता नहीं है और वहां से गाड़ी एंट्री मार के फिर वापस आ जाता है और एंट्री हो जाता है कि कोल क्रशिंग के लिए गाड़ी गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, मान लेते कोई बिजनेसमैन अगर ऑक्शन के तहत कोयला खरीदता है, 10 टन कोयला खरीदता है, और वो ऐसे कोयला का ऑक्शन करता है जिसका मार्केट वैल्यू बहुत कम होता है, आरओएम 3,000 रुपए टन बिकता है बीसीसीएल में, और 3,000 रुपए का कोयला खरीदने के लिए हम ऑक्शन लगाए 10,000 टन कोयले का, और उसके बाद बीसीसीएल के जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, एरिया सेल्स ऑफिसर होते हैं, साइड इंचार्ज होते हैं, या फिर जो लोडिंग बाबू होते हैं, उनको गुड फेथ में लेकर के 3,000 आरओएम का जो कोयला होता है, सबसे सस्ता और सबसे घटिया कोयला होता है जो पावर प्लांट को सप्लाई होता है, और उस कोयले के जगह पे स्टीम कोयला और कुकिंग कोल जो कोयला जो काफी महंगा बिकता है वो लोड कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू या बीसीसीएल जो ऑक्शन करता है स्टीम कोयला का वो 10,000 रुपए से ऊपर है, और मार्केट में 14,000 रुपए टन तक वो कोयला बिकता है, और उस कोयले को लोड करके ये ले जाते थे। ये गोरखधंधा पिछले कई वर्षों से बीसीसीएल में खेला जा रहा है, और यही वजह है कि बीसीसीएल को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री को भी इस बात की चिट्ठी लिखी गई है। अब किस तरह से आगे जांच होती है, आगे किस तरह से कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे आला अफसर, ऐसे अधिकारियों की मिली भगत से आज देश को
करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, न्यूज 11 भारत, धनबाद। तो भैया देखिए, बचपन का जो गिनती हमने पढ़ी थी उस गिनती को मुझे याद करना पड़ा, ये आंकड़ा इतना बड़ा है। मतलब एक बार में मैं जब वॉइस ओवर कर रहा था तो मैं एक बार में पढ़ नहीं पा रहा था, इका इधा सैकड़े हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इसके आगे तो हमको आता भी नहीं है। आप सोच रहे हैं कितना बड़ा खेल है ये। सबसे पहले मैं अब हमारे मेहमानों से आपका तारुफ करवा देता हूं। मेरे साथ सुशांतो मुखर्जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अधिवक्ता सोनल तिवारी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिलीप जुड़े हुए हैं और उनके साथ शिकायतकर्ता भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय से की है। मैं सबसे पहले धनबाद का रुख करता हूं। धनबाद में दिलीप हमारे साथ है। दिलीप, मतलब सबसे गजब की बात यह है कि मैंने किसी से जब यह चर्चा की तो बोलते हाँ तो ये तो कॉमन बात है। पहला रिएक्शन यही था, हाँ तो ये तो कॉमन बात है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि हम लोग यूज टू हो चुके हैं। हमें पता है कि बीसीसीएल नहीं जागेगा, हमें पता है कि बीसीसीएल के अधिकारी भों रहेंगे, हमें पता है कि ऐसे ही चूना हमको लगता रहेगा। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, फरमान ये आएगा, ए आम जनता कम बिजली जलाना है इसलिए क्योंकि वहां कोयला 3 दिन का बचा हुआ है, तो मतलब पीसना हम लोगों को है। दिलीप, क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप तो वहां पर मौजूद थे, आप तो सारी तस्वीरें देख रहे थे। देखिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और इस तरह के गोरख धंधे पिछले कई वर्षों से अंजाम दिए जा रहे हैं, और इस बात का खुलासा आज न्यूज 11 हर तरीके से कर रहा है, और हर उस शख्स से भी सवाल पूछेगा जो इस गोरख धंधे में शामिल है, और जब सवाल करने की बारी आई तो सवाल का जवाब देने से वो बचते नजर आए। देखिए, 10 रैक लोडिंग पॉइंट है कोयला धनबाद में, और धनबाद को देश की कोयला राजधानी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो कोयला है वो उच्च गुणवत्ता का कोयला है, प्राइम कोकिंग कोल कहा जाता है इसे, स्टीम कोयला, जो मार्केट वैल्यू उसका बहुत ज्यादा होता है। और जब यहाँ पे कोल क्राइसिस होते हैं तो जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं वो ऑस्ट्रेलिया से, फिर बाहर दूसरे विदेश से उसी कोयले को मंगाते हैं। तो जब यहाँ प्रचुर मात्रा में कोयला है और ये कहा जाता है कि कोयले की आपूर्ति बीसीसीएल नहीं कर पा रही है, तो आखिर वो आपूर्ति कैसे कर पाएगा? क्योंकि एक सिस्टम तो पूरा गोरख धंधे में लगा हुआ है, गोरख धंधे के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहा है, गोरख धंधे के कारण जो जो अच्छे कोयले होते हैं उसको दूसरे जगह सप्लाई कर दिए जाते हैं। तो इसकी इस गोरख धंधे का खुलासा आज बहुत अच्छे तरीके से होगा। और सबसे बड़ी बात, जो जो यहाँ के जो जो सचमुच में जो जेन्युइन व्यवसायी हैं या जो कोल ट्रेडर हैं, उन्होंने इस बात की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय को भी की है और वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ सीधे हम बात करते हैं, अमृत सिंह है जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए, और उन्हें इसमें खामियां नजर आई तो पीएमओ को लिखी। तो क्या लग रहा है ये खामियां कैसे और किस तरीके से चल रहा है कोयला अंचल में? ये पूरा एक सिंडिकेट है, ये लोग आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से काम करते आ रहा है, इसी तरह से ये लोग काम करता है। और बीसीसीएल का ये सब रिजेक्टेड, मतलब -10 mm, 100 mm कोयला ऑफर निकालता है, तरह से समझिए सब सिर्फ पावर प्लांट के लिए सब कोयला रहता है, यही सब कोयला में वो लोग बिडिंग कर लेता है। अब बिडिंग करने के बाद मैनेजमेंट को मैनेज करके, जो कि हम बताए थे कि GM एजेंट सेल्स ऑफिसर सबको मैनेज करके, वहाँ का लोकल जो छोटा नेता वगैरह रहते हैं वो लोग वहाँ का मैनेज करके स्टीम कोयला लेके जा करके, और उसको बहुत महंगा, मतलब 3 गुना दाम में बेचता है, 10-12 हज़ार से कम में तो नहीं हमको लगता ये कोयला बिकेगा। तो फिर ये सवाल क्यों उठता है, बीसीसीएल घाटे में है, कोयला का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पावर प्लांट को हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है? बीसीसीएल में ऐसे ऐसे कुछ अधिकारी अभी तक हैं, पहले भी थे, बहुत सारे रिटायर भी हो गए, और अभी तक हैं ऐसे ऐसे अधिकारी जो सिर्फ व्यवसायियों को, बड़े बड़े सिंडिकेट्स को बस फायदा पहुंचाने के लिए अपना छोटा मोटा प्रॉफिट के चलते करवा रहे हैं प्रॉफिट। क्या इसमें जो यहाँ के जो CMD होते हैं, जिनको पूरी जिम्मेवारी होती है, जिनके ऊपर डायरेक्टर टेक्निकल होते हैं, अलग अलग विंग बना होता है, सेल्स डिवीजन होते हैं, तो इन लोगों को जब शिकायत मिलती है तो क्या कार्रवाई होती है, क्या होती है या फिर नहीं कोई कार्रवाई? लोग नहीं, इससे पहले भी हम 1-2 बार शिकायत किए हुए हैं, कोई कार्रवाई यहाँ कोयला भवन के लेवल पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, ना हुई है ना होगी, क्योंकि ये लोग सब मैनेज रहते हैं। सब रेक पॉइंट होंगे पूरे धनबाद? 10-12 रेक पॉइंट्स है अभी तो, 7 साइडिंग का ऑक्शन हुआ जिसमें 175 रेक का आपको हम बताएं कि ऑफर निकला था, 175 एक बुक हुआ,
40 रेक हम लोग 39 रेक है सिजुआ साइडिंग में। देखिए 175 रेक का पूरा धनबाद में भी ऑक्शन हुआ है जिसमें इसी तरह के कोयले की बिडिंग की गई है। देखिए कई सवाल उठते हैं और जो सिजुआ के प्रबंधक है AK सिंह से दिलीप भाई फोन पर उनसे इस बात की जानकारी लेनी चाहिए। और जी आप जो बोल रहे हैं मैं आपने जो आंकड़ा भेजा है मैं तो वो आंकड़ा दर्शकों को बताता हूँ, उस आंकड़े से ही सारा चीज खेला साफ हो जाएगा। देखिए ना भैया ऑक्शन का ये लिस्ट है, ठीक है सुशांतो दास सोनल भाई सब ध्यान से सुनिएगा। ई ऑक्शन होता है वहां से कंपनियां जो कोयला उठाती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखिए KKC साइडिंग का ये है। KKC साइडिंग कौन सा होगा आप लोग जानते होंगे दिलीप, KKC साइडिंग किसको कहते हैं, कुछ आइडिया है किसको कहते हैं, कुछ है क्या KKC साइडिंग? KKC साइडिंग भी धनबाद के BCCL एरिया का ही 5 नंबर एरिया में KKC चलिए ठीक है KKC साइडिंग है। अब समझिए शाकंभरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड, ठीक है कंपनी कहां की है भैया, कंपनी है वेस्ट बंगाल की, ठीक है अलॉटेड यूनिट है 10 रैक। अब 10 रैक में आप शाकंभरी को सोच लीजिए कितना का मुनाफा है, आपको का मिला बाबा जी का ठुल्लू। ठीक चलिए अगला आते हैं के इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी कहां की है भैया उड़ीसा राउरकेला सुंदरगढ़ की, इसको अलॉट है 8 रैक। गोदावरी कॉमोडिटीज लिमिटेड, इसको अलॉटेड है 6 रैक, ये रांची हातमा की कंपनी है। सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड वेस्ट बंगाल की कंपनी है 6 रैक। चलिए ये एक साइडिंग का है, अगला साइडिंग आते हैं सिजुआ साइडिंग। SBC मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड लालपुर HB रोड रांची, इसको है 6 रैक। श्री बालाजी कोल कंपनी, इसको है 14 रैक, ये है कानपुर नगर उत्तर प्रदेश। गोदावरी कॉमोडिटीज लिमिटेड कलकत्ता, इसको है 12 रैक। जीवनी फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको है 7 रैक, फैजाबाद उत्तर प्रदेश की कंपनी। चलिए अगला आते हैं KDSK साइडिंग, ठीक है इनोसेंट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है 6 रैक है, इसको रांची की कंपनी है, झारखंड इसका ऑफिस है। चलिए अगला आते हैं श्री बालाजी कंपनी, इसका है सुजानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है भैया 6 रैक। KDS2 साइडिंग, इसमें वाल्टेयर कोल प्राइवेट लिमिटेड 6 रैक, कंपनी कहां की है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। याशिता ट्रेडर्स 7 रैक है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल की कंपनी है। फिर आते हैं CK साइडिंग वेस्ट, गोदावरी कॉमोडिटीज लिमिटेड, कहां के तिरुपति टावर ऑफिस है हातमा में, इसको है 6 रैक। चलिए CK वेस्ट साइडिंग, गोदावरी कॉमोडिटीज लिमिटेड 6 रैक हातमा रांची। उसके बाद फिर आते हैं गोदावरी कॉमोडिटीज, इसको है 28 रैक, ठीक है। उसके बाद गोदावरी कॉमोडिटीज लिमिटेड, इसको है 12 रैक, कोलकाता की कंपनी। सरावगी उद्योग कोलकाता की कंपनी, इसको है 6 रैक। तो भैया ये जो आंकड़ा है, ये जो आंकड़ा है, ये एक पत्रकार 15 मिनट कहीं पर जाकर के घूमता है फिरता है अजीत सिंह से बात करता है तो उसको ये आंकड़ा मिल जाता है। आप याद कीजिए कि मैंने थोड़े देर पहले भगचुनहर शब्द का इस्तेमाल किया था, पूरे देश की सियासत उस पर घूम रही थी। क्या ये पूरा सिस्टम जो है भगचुनहर बन के बैठा हुआ है, उनको ये आंकड़ा नहीं मिलता, उनको ये सिस्टम पते नहीं चलता है, एक आदमी को थक हार करके और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय चिट्ठी लिखनी पड़ती है, चिट्ठी चल गई है लेकिन ये BCCL के अधिकारी देखिए कितने मगरूर हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है प्रधानमंत्री के पास है ना, क्या कर लेंगे हमरा सुशांतो दा, मजाक बन के रख गया है BCCL, मजाक। इसी आंकड़े के बाद तो बिल्कुल मजाक है ये। निश्चित तौर पर ये जो आंकड़ा है पूरे देश अभी देख रहे हैं, हम चैनल में बैठे हुए हैं, ये आंकड़ा साथ में और एक आंकड़ा है जो माफियाओं का चोरी, जो आपको 2-3 पॉइंट ऐसा है। एक निरसा में मुगमा एरिया है, मुगमा एरिया में आप चले जाएंगे तो वहां पर कितने गाड़ी निकल रहे हैं आप काउंटिंग भूल जाएंगे, जैसे ही हम भूल रहे हैं ना। और सोचिए कि वहां जितने भी भट्टा है, मुगमा तो ECL का हो गया ना जी, ECL और BCCL दोनों जगह ही यार। BCCL सरकारी इसमें डब कर रहे, इन लोग पत्थर दे देते हैं, ये दे देते हैं, फ्रेश माल दे देंगे और पैसा लेंगे कम। ये है बंदर बांट जो इन लोग ऑफिशियल पूरा मिलके, इसे जांच करने की जरूरत है। और जांच करेंगे कौन, जो साहब बोल रहे कि बिजली 3 दिन की है उन साहब को ही तो जांच करनी है, लेकिन जांच तो होंगे नहीं, ताव से रहते भाई, ऊपर से नीचे सब है।
कोई दिक्कत नहीं, जितना लूटना है लूटो हमारे झारखंड को, और यहां जो मजदूर जो उसको लोडिंग करते हैं उनकी भी पैसा नहीं मिलती है। उसके चलते आप हर दिन सुनेंगे चार दिन बाद आउटसोर्सिंग जो लगे हुए हैं मजदूर उनकी हाल क्या है, जिनकी सोचिए जो गाड़ी चलाते हैं उनको डेली 1000 रुपया से 1100 रुपया की मिलनी है लेकिन उनको मिलते नहीं है, जो लेबर है मजदूर है उनको 500 रुपया मिलना है उनको नहीं मिलते हैं, पैसा इन किसी को नहीं मिलता है, सिर्फ पैसा साहब। अच्छा और वहां ये सोनल भाई एक बात बताइए, मतलब ये बीसीसीएल का मामला हो जाता है और सारी चीजें हो जाती हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो वगैरह ये हमारे झारखंड का जो पावर है इन सब मामलों में क्या बहुत लिमिटेड हो जाता है, मतलब वो लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते ना? सबसे पहले तो सबको जोहार, लेकिन ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है, मतलब मान लीजिए ये सीधा सीधी जो मामला है ये बता रहा है कि फ्रॉड है, बीसीसीएल मिलके भाई ये फ्रॉड है ना, इसको और क्या कहेंगे, 100% फ्रॉड, ये आज से नहीं ये चलते आ रहा दशकों से, युगों से मैं तो कहूंगा। इसमें एक बहुत मजेदार पक्ष था जो हम लग रहा है कि हम लोग को एक्चुअली हिस्ट्री में जाना चाहिए कि होता क्या है, बहुत बार मान लीजिए जब हम कंप्लेन करते हैं तो एक एजेंसी अपॉइंट किया जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो देखता है कि असली में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, तो गुजरात में अलग अलग राज्यों में अपॉइंट किया गया था और बहुत जगह पे बोला गया कि ऐसा हर जगह पे चल रहा है और फाइन इम्पोज किया गया है। सबसे पहला मुद्दा कि झारखंड सरकार ने आज तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई अपॉइंट किया कि नहीं किया, इन्होंने चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी के बाद क्या हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो मेरा पक्ष है इसमें, कोयला जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स हम अगर संविधान के हिसाब से जाएं तो आप जनता के हित के लिए ही यूज कर सकते हैं, ये जो करप्शन हो रहा है ये किसके हित के लिए हो रहा है, प्राइवेट कंपनी और जो बीसीसीएल में जो ऊपर पोस्ट में है उनके लिए यूज हो रहा है, सारा का सारा सेटिंग वहीं से हो रहा है। ये हम लोग को हमको लगता है कि अगर इस पर विचार किया जाए, जैसे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, सब कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब बीसीसीएल को हमने काम दिया है, एक सरकारी कंपनी है जिसपे हम विश्वास करते हैं, कोई भी सरकारी कंपनी है जिसपे हम बहुत विश्वास करते हैं, आप क्या करते हैं कि आप अपना सारा काम कॉन्ट्रैक्ट पे दिए जा रहे हैं प्राइवेट कंपनी को, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप आउटसोर्सिंग के नाम पे, ऐसा नहीं है कि बीसीसीएल को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि सरकार को भी पता नहीं है, सबको पता है, लेकिन आउटसोर्सिंग के नाम पे जो करप्शन हो रहा है उस पे जो चेक करने का पावर है, आप फिर से सरकार के पास तो नहीं जाएंगे ना चेक कराने के लिए, जब सरकार ही इन्वॉल्व है, जब बीसीसीएल ही इन्वॉल्व है और हम बीसीसीएल को ही बोले कि आप ही चेक कराइए, मेरे ख्याल से एकदम सही नहीं बनता है। तो जो भी भाई दिलीप जी शायद इस पे मुद्दा उठा, दिलीप जी बहुत अच्छा मुद्दा है, जितना चिट्ठी हो सके जरूर लिखिए, जितना दस्तावेज तो हमारे पास लगता है बहुत आ चुका है, अब लगता है कि जब हम लोग नॉर्मल भाषा में यही बोलते हैं ना कि जब सरकार और एग्जीक्यूटिव जब इनके पास कुछ नहीं होता है तो हमें एक बार कोर्ट कचहरी का भी रुख अपनाना पड़ता है। अब पीएमओ के पास चिट्ठी गई है, डीसी धनबाद को भी पता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होगा, बीसीसीएल को भी पता है, अगर इन दोनों के पास से कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर हमारा रास्ता कोर्ट का भी बनता है। हमको लगता है कि ये मुद्दा जरूर बढ़ना चाहिए क्योंकि गड़बड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गड़बड़। आप तो अभी जो डाटा लाए हैं बहुत छोटा डाटा है, ये तो बस एक साइडिंग का एक छोटा सा, मैंने तो आसान भाषा में मतलब कोशिश की है कि दर्शक इसको समझ जाए। क्या है कि मेरे जैसा आदमी जिसने मतलब आज तक कोई कोयले की खदान देखी भी नहीं है तो उसको क्या पता है कि कोयले का खेल क्या होगा। मतलब मैं तो चूंकि मेरा जन्म ही झारखंड का है, मैं तो 12वीं क्या इंटर इंजीनियरिंग करने के बाद तक मुझे नहीं पता था कि कोयला का इतना खेल है, तो ये सब जब मैं सुनता हूं तो बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मैं यहां सबको रोक रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक चूंकि यहां पर हमारा बनता है तो एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। इस कोयले के खेल को नहीं, इस कोयले के महाखेल का पर्दाफाश हम कर रहे हैं और इस कोयले के महाखेल को आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा आपका, देखिए जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, हुजूर कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए, वरना ये लूट लेंगे झारखंड को, बर्बाद कर देंगे झारखंड को। आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं कितनी खतरनाक बात है ये। हमने तो बहुत आसान भाषा में एक साइडिंग का आंकड़ा आपको बताया कि भैया देखिए जो ई ऑक्शन होता है वो ई ऑक्शन होता है 3000 रुपए लमसम में बता रहा हूं, आसपास बता रहा हूं, 3000-4000 रुपए के बीच का आंकड़ा होता है कि लगभग 3-3.5 हजार रुपए प्रति टन वाले कोयले के लिए, ठीक है चलिए ये होता है वो आंकड़ा। और अब दिक्कत कहां आती है बताता हूं, जो ऑक्शन के बाद जो कोयला ये कंपनियां ऑक्शन में जो करती हैं आप उठाती हैं, नियम है कि कोयले की क्रशिंग होगी और क्रशिंग करने के बाद वो कोयला उठाना है, क्या जांच होती है कि जिस कोयले के लिए पैसा दिया गया है क्या वही कोयला उठ रहा है,
भैया कोई तो टेस्ट करने वाला होता, मारवाड़ी एक किलो, बेचारा जो दुकान में मारवाड़ी बैठता है, एक किलो चीनी देता है उसका आदमी, तो बेचारा चेक करता है, क्यों? क्योंकि उसका खून पसीना सब कुछ उसमें लगा रहता है। लेकिन बीसीसीएल को जहमत ही नहीं उठानी जी, जहमत ही नहीं उठानी कि उसमें चेक करना है कि भैया जो उठ रहा है वो वही है कि कोई दूसरा है, फर्क ही नहीं पड़ता इनको, दे डोंट केयर। सुशांतो दा, अरे एक रुपए का कोई सामान देगा तो वो चेक करेगा गुरु, एक रुपए का सामान देगा, ये तो अरबों अरबों का कोयला है, एक साइडिंग से अरबों अरबों का कोयला है, लेकिन चूंकि सबका हिस्सा फिक्स है तो किसी को चेक ही नहीं करना है। निश्चित तौर पर चेक करने का जो सिस्टम है वो है नहीं, क्योंकि वो पहले तय हो जाता है कि वो पैसे के खेल में वो तय हो जाता है कि चेक करना ही नहीं है। जब चेक नहीं करना है तो जिनको सोचिए 10,000 का माल लेना है, 5,000 का माल लेना है, वो 14,000 का ले जाते हैं। और अगर हम आपके, हम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमें लगता है कि अगर ये चोरी रुक जाए तो देश की जो परिस्थितियां हैं, बजट जो है वो और बढ़िया होगा और हमारे झारखंड को आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ कोयला, जिस कोयला में ओपन कास्ट जो हो जाते हैं यहाँ, और जैसे ओपन कास्ट हो जाने के बाद भी आप देखेंगे कि क्या हाल है, वहां पानी रह गए, कुछ रह गए, और जो जिस कोलियरी बंद हो गए वहां पर देखिए चोरी, प्राइवेट चोरी भी अगर रोक दे हमें लगता है कि झारखंड सुधर जाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट खाली कोयला चोर को, कोयला माफिया को खाली ब्रेक कर दे, हम लगता है कि हमारे झारखंड का जो परिस्थितियां है वो सुधर जाएंगे। और हमें बार बार डीबीसी नहीं कहेंगे कि पैसा दो, और केंद्र सरकार ये भी नहीं कहेंगे कि 3 दिन में आपका बिजली काट दी जाएगी, ये भी नहीं होंगे। हमें पूरा पता है कि ये माफिया, कोल माफिया के साथ गठजोड़ है, और जो प्रशासनिक व्यवस्था है सब मिले हुए हैं। बिल्कुल, आपका जिनका जिनका ड्यूटी है सारे को चेन में लगे हुए हैं, किसको क्या करना है उनको पता है। दिलीप जी, सबसे बड़ी चीज है कि मतलब ये तो चलिए एक बात हो गई, कोल क्रशिंग में भी खेला है नियम, जैसा कि आप अभी बता रहे थे, मैं आपकी रिपोर्ट में देख रहा था कि एक नियम है कि भैया इतने ही जो आकार होता है कोयले का लोड होने से पहले वो इतना ही आकार का होना चाहिए, इसी के एवरेज में इसका आकार होना चाहिए। लेकिन वहां पर तो हम देख रहे थे कि बड़का बड़का कोयला का बोल्डर ढेला पड़ा हुआ है, मतलब कोई माए बाप नहीं है। बीसीसीएल से जो कोयला उठ रहा है वो अनाथ कोयला है, कोई नहीं देखने आएगा, जो मर्जी उठा के ले जाइए, बेच दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या यही मान ले? देखिए इसमें भी गड़बड़ झाला होता है, देखिए 2-3 तरीके से इसमें गड़बड़ झाला होता है। जब विवाद उठा था तो ये नियम बनाए गए थे बीसीसीएल के तरफ से कि कोल क्रशिंग करके ही कोयला सप्लाई करना है। इसमें जब कोल क्रशिंग होता है तो जिस अनुपात में लोग कोयला का ई ऑक्शन के तहत कोयला खरीदते और उन्हें ले जाना, उस अनुपात में कोयले की छटनी होती है। अगर हम ROM ले रहे हैं -100 mm का तो वो अलग सा वो जाएगा, अगर हम थोड़े से बड़े स्टीम ले रहे हैं वो अलग से जाएगा, कुकिंग कोल ले रहे हैं वो अलग से जाएगा, उसकी छटनी होती है और कोल क्रशिंग होती है। इससे पता चलता है कि जो डस्ट है वो नहीं जाएंगे, बाकी कोयला जाएंगे। तो यहाँ पे भी ठीक है, कैसे खेल खेलता है, हर लोडिंग पॉइंट पे एक कोल क्रशिंग हर एरिया में लगाना है। अब देखिए इसमें कैसे खेल होता है, जिस आउटसोर्सिंग कंपनी को हम क्रशिंग लगाने की जिम्मेवारी दी है और उन्हें कहें कि आपको कोल क्रशिंग करना है, वो दिन भर में 1 घंटा कोल क्रशिंग की मशीनी चलाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, सिर्फ जो गाड़ियां चलती है उनको वहां तक पहुंचाते हैं और कोयला को क्रशिंग नहीं करना है, भैया वापस चले जाओ, आपका मीटर भी लग गया कि हाँ कोयला गाड़ी लेकर के यहाँ पे आया, GPS सिस्टम भी लग गया कि हाँ उसके मार्फत से कोयला यहाँ पे पहुंचा क्रशिंग के लिए, क्रशिंग नहीं होता और क्रशिंग की मशीनें बंद रहती है और उस जगह पे जो पेलोडर होते हैं उनसे क्रशिंग कर दिया जाता है। इसका फायदा सीधे सीधे आउटसोर्सिंग कंपनी को जाता है, 6-7 रुपए जो टन उनको क्रशिंग का मिलता है वो समझिए बिना चलाए ही उनको कितना पैसा मिल रहा है, पूरा बच गया। उसको ये गोरख धंधा भी यहाँ पे बड़े जोर शोर से चल रहा है और 10 एरिया में हर जगह पे ऐसे बड़े बड़े कोल क्रशिंग के प्लांट लगाए गए और आउटसोर्सिंग कंपनी को यहाँ पे दिया। और जिस जगह पे हम खबर दिखा रहे हैं, माँ अम्बे आउटसोर्सिंग कंपनी है, उनको यहाँ पे कोल क्रशिंग करने की जिम्मेवारी दी गई है। पहले तो कोल क्रशिंग बंद थे, जब वहां पहुंचे तो एक कोल क्रशिंग चालू किए, फिर ज्यादा देर रुके वहां पे दूसरे को चालू किया, लेकिन कब तक, जब तक हम वहां टिके रहे उसके बाद मशीनें दोबारा नहीं चलती है। ये गोरख धंधा भी इस आड़ में चल रहा है, गजब की बात है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर के और तुरंत हाजिर हो रहे हैं, डंके की चोट पर जारी रहे। स्वागत है आपका, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप, डंके की चोट पर कार्यक्रम चल रहा है। भैया दुख होता है जब ऐसी बड़ी खबरें देखता हूं। तो देखिये मेरे पैनल मेरे साथ है, सुशांतो मुखर्जी मेरे साथ है, सोनल तिवारी मेरे साथ है, दिलीप मेरे साथ है और उनके साथ अजीत सिंह भी है जो कि शिकायत करता है इस पूरे मामले के। सोनल भाई
तमाम चीजों को हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन फील ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं, यहां बैठ करके शिखंडी सी फीलिंग आती है, मैं आपको बताता हूं क्यों बताता हूं, ये भी बताता हूं। हम बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन उलगुला नहीं कर सकते। मन तो ऐसा करता है कि इस खेल के पीछे जो लोग हैं, असल में जाकर के पता नहीं क्या ही कर जाऊं मैं। एक झारखंडी की बात, एक झारखंडी के तर्ज पर मैं बात बोल रहा हूं, जिसने अपने आंखों के सामने झारखंड को बनते भी देखा है, झारखंड को बड़ा होते भी देखा है, शायद झारखंड की उम्र ऐसे ऐसे बढ़ी है जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूं। आज मैं वयस्क हो गया लेकिन झारखंड वयस्क नहीं हुआ, झारखंड हमेशा से लुटता ही रहा, एक नाबालिग बच्चे की तरह रह गया झारखंड। क्या जिंदगी भर हम बस यही दंश झेलते रहेंगे? कभी डंके की चोट पर कोयला दिखाएंगे, कभी डंके की चोट पर जमीन दिखाएंगे, बस यही, और कुछ नहीं है हमारे पास, हमारे हिस्से कुछ भी नहीं है। देखिए जो बात है, मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो एक कॉन्सेप्ट होता है रूल ऑफ लॉ का। झारखंड सरकार और मतलब भारत का भी अगर आप देखेंगे रूल ऑफ लॉ में जो रैंकिंग है, करीब 155 देशों के बीच रूल ऑफ लॉ का रैंकिंग बना था, उसमें हम लोग करीब 138 या 140 में हैं। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताएं कि आप जैसे बोल रहे हैं कि अभी लीगल माइनिंग हो रहा है, माइन बंद था उसमें एक्सीडेंट हो गया, कानून बना हुआ है माइन क्लोजर प्लान जो बोलता है कि जब आप माइंस खत्म कर लेंगे तो आपको बंद करना है, बालू डालना, बंद करने का पूरा प्रोसेस दिया। आप कानून पढ़ेंगे तो लगेगा कि सरकार अगर ये कर दे तो मतलब मजा आ जाए, कुछ इम्प्लीमेंटेशन है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, किताब कानून के किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अभी जैसे अभी बता रहे ये केस ही कि एग्रीमेंट होता है, ऑब्वियसली BCCL और जो जितना कंपनी का आपने नाम लिया उनके बीच एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी होता है तो हम उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे। BCCL ने आज तक कितनी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है उस पर भी बात करना चाहिए। बहुत चीज़ लिखी हुई है लेकिन एक इंटरनलाइजेशन वाली जो बात होती है कि हम इम्प्लीमेंट कितनी चीज़ों को कर पा रहे हैं, वो हमको लगता है हमें ध्यान देना चाहिए। और इसलिए हमको बहुत इच्छा होता है कि जैसे झारखंड में जब भी देखते हैं ना तो लगता है कि न्यायपालिका ही बचा सकती है। बहुत बार ये मन में उठता है कि न्यायपालिका ही बचा सकती है। तमाम बातों को सुनकर के और मेरा मन करता है कि बस मैं कोर्ट की तरफ देखता रहूं कि किसी दिन तो कोर्ट मेरी तरफ भी देखेगा। एकदम एकदम। अब मतलब इस मुद्दे पे देखते हैं, अगर एक बार हम लोग भी कोशिश करते हैं कि चीफ जस्टिस या किसी को भी चिट्ठी लिख के अगर इस मुद्दे पे कुछ किया जा सके, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स है, क्लियर कट दिख भी रहा है कि ऐसी गड़बड़ी है, तो मुद्दा उठना चाहिए। और बाकी राज्यों में उठा है, ऐसा नहीं है कि बाकी राज्यों में नहीं उठा है, बाकी राज्यों में फाइन भी लगाया गया है। कोशिश हो कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ किया जाए, ब्लैकलिस्ट किया जाए कुछ कंपनियों को, तभी इस पे कुछ कार्रवाई आगे बढ़ेगा। और एक बड़ा हम अगर सीधा उदाहरण देना चाहेंगे तो हम बोलेंगे कि अभी एक सीधा जाके कंप्लेन केस कर देना चाहिए फ्रॉड का। यही चीज़ गुजरात में भी हुआ था, करीब 20 अधिकारियों के ऊपर, वहां पे कोई कंपनी थी, उनके 20 अधिकारियों के ऊपर फ्रॉड का केस किया गया और कंस्पिरेसी का केस लगाया गया कि सारे 20 लोग मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा एक दो जब तक डर नहीं होगा ना, खौफ पैदा करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। दिलीप जी, आपके साथ तो बाकायदा शिकायतकर्ता मौजूद हैं, क्या उनको कोई रिस्पॉन्स जब तक उस चिट्ठी का मिला है, पहली चीज, और दूसरी चीज कि ऐसे ही चलता रहा वहां भी अगर कोई रिस्पॉन्स लेने वाला नहीं है तो उनको क्या लगता है आगे वो क्या करने वाले हैं? देखिए शिकायत आपने की है, इसके पहले भी CMD की कोई निष्कर्ष निकला, PMO को चिट्ठी लिखी, क्या लगता है आपको कार्रवाई की उम्मीद है? BCCL से तो कोई कार्रवाई की उम्मीद नहीं, BCCL कुछ नहीं कार्रवाई कर सकता है और हम लोग अपने स्तर से जो रोक सके। आपने PMO को लिखा है ना? अब PMO साहब को तो लिखे हैं, आप देखिए उस पर क्या रिप्लाई आता है, कि होता भी है कि कुछ नहीं होता, वो तो देखने की चीज़ है। और अगर नहीं भी होगा, हम लोग अपने स्तर से तो लूट नहीं, क्या लगता है अगर PMO से कोई कार्रवाई की उम्मीद नहीं दिखती आगे, क्या इसको लेकर के PIL दर्ज करेंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? एकदम न्यायालय तो जाना ही जाना है, और वहाँ साइट पर भी उसको किसी भी हाल में कोई माफिया रहे, कोई डॉन रहे, नहीं लोड होगा उसका ट्रिक, नहीं लोड होगा। देखिए ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी शिकायतें मिलती है और PMO की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो ये भी PIL करेंगे, न्यायालय के शरण में जाएंगे और कोशिश करेंगे जो
स्थानीय लोग होते हैं या फिर जो इनके और सहयोगी है उनके साथ मिल करके इस गोरख धंधे को रोकने को लेकर के जो भी प्रयास होगा वो प्रयास करेंगे। अब आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर के पीएमओ की तरफ से क्या जवाब आते हैं, जो अधिकारी हैं उनके तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी अभी। जी बिल्कुल सोनल जी, इनकी बात जो शिकायत करता हूँ उनकी बात सुनने के बाद आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं मतलब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ इनके पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं अभी के लिए। लीगल ऑप्शन तो पहला लीगल ऑप्शन अगर सिविल कोर्ट धनबाद में करना चाहे वो तो जरूर जितने लोग इन्वॉल्व हैं जो जो लगता है इन्वॉल्व है उनके ऊपर एकदम बगैर नाम के साथ उनको नाम के साथ फ्रॉड का केस करिए। कोर्ट में प्रूफ होगा समय लगेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा वो होने दीजिए। देखिए पुलिस तो FIR लेगी नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कोर्ट में कंप्लेन केस करिए। पुलिस का भी सबको पता है क्या करती है, जाइएगा चिट्ठी लेके वापस भेज दे, एक बार कोशिश कर लीजिए, अगर हो सकता है तो वो भी आजमा के देख लीजिए कि धनबाद पुलिस कैसे इस पर रिएक्ट करती है। लेकिन उनको भी FIR करना चाहिए। मान लीजिए मेरा शिकायत है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, वो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, तो पुलिस को तो करना चाहिए। पुलिस करेगी नहीं, इसलिए हम बोले कि कंप्लेन केस आप कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप हाईकोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, PIL फाइल कर सकते हैं। लेकिन इससे भी एक बेटर ऑप्शन अगर आप देखना चाहेंगे और जो जिसपे हम लोग भी बहुत पहले काम कर चुके हैं, ऐसे ही नागालैंड में 2018 में माइनिंग हो रहा था, इलीगल माइनिंग हो रहा था। इलीगल माइनिंग के अलावा ट्रांसपोर्टेशन का पूरा जो गोरख धंधा चल रहा था तो उस पर एनजीटी में किसी ने गया, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित ट्राइब्यूनल है वो, उसमें सारा इन्वायरमेंटल मैटर्स को लेके जाते हैं। एनजीटी ने फर्स्ट डेट पे सारे माइनिंग को स्टॉप कर दिया, बोला कुछ नहीं होगा उस इलाके में, यही काम करना है धनबाद में, एक बार रुकवा दीजिए खत्म, सब रुक जाएगा, सारा कंपनी का हाथ रुक जाएगा। मेन तो यही है ना कि हमको उनको डर दिखाना है, एक बार काम रुका वहां कि अब यहाँ पे इससे अभी कुछ नहीं होगा थोड़े दिन तक, फिर आप विश्वास करिए। इसमें एक जो बहुत मजेदार पक्ष है जो हमको लगता है हम लोग को समझना चाहिए कि सरकार क्यों ध्यान नहीं देना चाह रही है। सरकार को देखिए बहुत बेनिफिट है इसमें। सरकार मान लीजिए कि अगर ऐसे इलीगल जो भी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है या इलीगल कोयला जो भी निकल रहा है उसका तो हमको कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। सरकार को तो इस पर तुरंत आवाज उठाना चाहिए था। सरकार को हमसे ज्यादा सीरियस होना चाहिए, दिलीप भाई से ज्यादा सीरियस सरकार को होना चाहिए था, क्योंकि वो पैसा आएगा तो भाई DMFT में आएगा, टैक्स में आएगा, अलग अलग इलाके से सरकार को मिलेगा ना, और हम लोगों के लिए यूज होगा। सरकार क्यों चुप है, सबसे बड़ी बात। आप इसको NGT में केस करके स्टे कराइए, और स्टे होगा क्योंकि इतना जितना प्रूफ दिखा रहे हैं ना जरूर स्टे होगा, कोई जाते नहीं है हम लोग। ये प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाता है कि हम लोग बहुत चीजों में हम लोग कोर्ट कचहरी की तरफ जा भी नहीं पाते हैं, कहाँ पे जाना है, किस चीज को लगाना है। फिर आप विश्वास करिए कि जब NGT ने स्टॉप कर दिया तो मेघालय गवर्नमेंट की हालत खराब हो गई। मेघालय गवर्नमेंट बोला कि यार यहाँ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेघालय गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चला गया और बोला कि हम एकदम पूरा ध्यान से इस बार करेंगे काम। तब फिर सुप्रीम कोर्ट बहुत सारा गाइडलाइन बना के एक एक पॉइंट पे बात बोला कि इस चीज पे आप ऐसे करेंगे, इस चीज पे ऐसे करेंगे, और वो एफिडेविट लिख के दिया मेघालय गवर्नमेंट, बोला कि हम आप जैसे बोल रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। तो इस तरीके का डर एक बार अगर झारखंड गवर्नमेंट, BCCL और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उस पर अगर हो तो हमको लगता है बहुत अच्छे तरीके से ये लोगों के लिए बेनिफिट होगा। लोग ये तो सुशांतो द लॉ की बात हो गई निश्चित। अब याद आता है मुझे वो वक्त, मेरे दादाजी सुनाया करते हैं, पिताजी भी सुनाते हैं कि एक वक्त था कॉमरेड AK राय का। कॉमरेड जब हुआ करते थे तो मजा ले कि ऐसी चीजों में वो पीछे हट जाए, मतलब आम लोगों के साथ वहां पर छोटे छोटे उलगुलान होते थे। निश्चित तौर पर। अब क्या वो उलगुलान सो गया है, मतलब अब लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं या फिर क्या, मतलब वो चिंगारी खत्म हो गई? जिस तरह से आप शब्द रखे यही बात है कि लोग जान गए कि इसी में हमको जीना है। आपको बता दें कि आप धनबाद पर आपको आउटसोर्सिंग पर चोट पहुंचाते हैं कि आउटसोर्सिंग जो कर रहे हैं वो गलत तरीका से आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, इसलिए करते हैं कि उसका फिक्स हो जाए अपनी कमाई, जिस आंदोलन चल रहा है। लेकिन मजदूर लेके आंदोलन की मजदूर को काम मिले, उनके जो वेज जो बनता है, उनके जो पैसा बनता है वो परफेक्ट मिले, इसके लिए लड़ाई हमारे संगठन वहां जोरदार कर रही है और ये करते रहेंगे और निश्चित तौर पर दिलाएंगे। जिनको 1200 मिलना है उसको 600 देते हैं, जिनको 500 मिलना है उसको 200 देते हैं, और काम करवाते नहीं है। और जितने भी आप देख रहे हैं वहां पर काम चलते हैं सब विदाउट पॉलिटिकल लीडर, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं विदाउट पॉलिटिकल लीडर एक जगह भी सुई नहीं हिल सकते हैं। आज देखिए जो मुगमा में आपको चैनल में आते साथ हम उसी के बात कर रहे थे, जिस जगह घटना घट गई वो घटना घट गई। अब क्या होते हैं कि अगर सोचिए अंदर में 5-7 लोग डेथ कर गए लेकिन
बाहर में जो अंदर इंटर करते हैं, जो उनका जोड़ी मिलेंगे 10 जोड़ी चप्पल, लेकिन दिखाएंगे 2 मौतें। अब उसका बॉडी लेकर तुरंत प्रशासन चलाएंगे, आप वहां मार हो जाए लेकिन प्रशासन नहीं आएंगे, लेकिन मौतें हो जाए तो प्रशासन वहां तुरंत आ जाएंगे और बॉडी हट जाएंगे। और जिनके वहां मौत हो गए, जिसके लाश नहीं दिखाए जा रहे, उनके घर में लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां बॉर्डर जो है बंगाल से सटे होते हैं, मजदूर दूसरे स्टेट के भी होते हैं, उसे मैनेज कर लिया जाता है। इस पर जब तक नहीं माफियागिरी को रोका जाए, हमें लगता है कि झारखंड की जो जल जंगल जमीन की सरकार आई है, इसे काम करने की जरूरत है और इसे अंदर करने की जरूरत है। हमारे जो सोर्स है, इसे अगर नहीं बचाए तो झारखंड कैसे बढ़ेगा? आदिवासी मूलवासियों के लिए जो कॉमरेड AK राय, विनोद बिहारी महतो, शिवू सोरेन ने जो झारखंड को अलग राज्य बनाया, उस लाल राज को बना के क्या फायदा होगा? किसके लिए राज बना? हमें लगता है फिर एक उलगुलान की जरूरत है, फिर एक पैदा होने की जरूरत है, फिर AK राय की जरूरत है, फिर विनोद बिहारी महतो की जरूरत है, और फिर शिवू सोरेन जैसे ताजा लड़ने की जरूरत है, और लड़ के फिर हक दिलाने की जरूरत है। अगर लगता है कि अगर हमें हक नहीं दिला पाए तो मेरा झारखंड इतने बिरसा मुंडा से लेके इतने दूर तक जो आंदोलन चले, ये आंदोलन ही खिका रहे, फिर एक बार झारखंड को अलग करने की जरूरत है। मैंने झारखंड को अभी बन तो गए, लेकिन झारखंडियों के लिए झारखंड नहीं बने, इसकी लड़ाई लड़ने हैं, जिसपे सबसे बड़ा काम किए थे मजदूर वर्ग हमारे झारखंड को अलग करने के लिए। आज मजदूर कहां है अभिषेक जी, आप खोज नहीं सकेंगे। सोरा झारखंड से अगर देखिए 36% के जगह ट्राइबल 27% हमें गिनती में आती है, उसे कौन सर्वे करेगा? ये केंद्र सरकार को बताने की जरूरत है। और बार बार जो हमारे DBC और केंद्र सरकार ने जो धमकियां देते हैं कि बिजली के लिए कोयला नहीं है, उसे जांच करने की जरूरत है। केंद्र के पास सारे सोर्सेस है, अगर उसे जांच करा के इसे कार्रवाई करे, हमें लगता है बिल्कुल 3 महीना के अंदर। जांच की आपने बात कही है, तो मैं दिलीप के पास एक बार चल रहा हूँ। दिलीप भाई, ऐसा जांच का एक सिस्टम तो होगा ना? मतलब मैं कहता हूँ एक सिंपल सी बात, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, भाई 10 रुपए का नीचे अगर हमारे मॉल से 10 रुपए का मैं एक चम्मच खरीदता हूँ, जब उसका बिल लेकर के मैं बाहर आता हूँ तो जो गार्ड खड़ा होता है वो बिल भी देखता है और वो चम्मच भी देखता है कि यही वाला चम्मच है ना। अरबों अरब का कोयला उठ रहा है, क्या मतलब कोई सिस्टम नहीं है कि टेस्ट हो के भैया जो रैक में जा रहा कोयला वो वही कोयला है जिस कोयले के लिए पैसे दिए गए हैं, या ये दूसरा कोयला है? मतलब 3,000 रुपए का कोयला का आप पैसा दे गए हैं, 10,000 रुपए का आप कोयला उठा रहे हैं, प्राथमिक तौर पर ये किसकी जिम्मेदारी होती है? क्या कोई मतलब चेकिंग के लिए कोई अधिकारी इन सब चीजों को देखने के लिए कुछ लोग तो होते होंगे ना? कोई एक फोर्स होती होगी, कुछ लोग होते होंगे BCCL की तरफ से, कुछ तो लोग होंगे कि सब मतलब रामे भरोसे एकदम। देखिए बिल्कुल पूरा सिस्टम बना हुआ है। BCCL में डायरेक्टर टेक्निकल सेल्स होते हैं, सेल्स के विभाग होते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है। सेल्स मैनेजर होते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है। और इसके अलावा जो एरिया मैनेजर होते हैं उनकी तो बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि उनके बगैर रैक नहीं लगना है, उनके आदेश के बगैर कोयला डिस्पैच नहीं होना है, उनके आदेश के बगैर ऑक्शन नहीं जाना है। वही डिसाइड करते हैं कि एरिया में कितना कोयले का प्रोडक्शन हुआ है, वो एक आंकड़ा बना करके देते हैं, उसके बाद ऑक्शन होता है। उसके अलावा जो उनकी अपनी साइड इंचार्ज जो होते हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर जो होते हैं, इन सब की भूमिका संदेह के घेरे में है। और देखिए ये केंद्र की एक उपक्रम कंपनी है, इसको कह सकते हैं BCCL, इनकी अपनी विजिलेंस होती है, अपनी इनकी जांच एजेंसियां होती है, इसमें डायरेक्ट तौर पे झारखंड सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है, जब ऐसी शिकायतें मिलती है तो उनका जो अपना एजेंसी है वो क्यों नहीं जांच करती? देखिए इस पूरे मामले पे जब जो एरिया मैनेजर हैं AK सिंह, उनको मैंने व्यक्तिगत तौर पे फोन किया कि इस तरह के गोरख धंधे होने की शिकायत मिल रही है, PMO को चिट्ठी किया है, तो उनका साफ तौर पे कहना होता है भैया अगर कोई शिकायत कर रहा है तो इसमें क्या कर लेंगे, शिकायत से तो बहुत सारी चीज़ें साबित नहीं होती है। अब हमसे वो सवाल करते हैं कि अगर कोई कह दे कि कोई किसी का मर्डर कर रहा है, मर्डर करने वाला है, तो मर्डर किया क्या? इस शिकायत अब जब एक अधिकारी का बयान इस तरीके का आता है तो आप समझिए कि वो इस तरह के गोरख धंधे को रोकने को लेकर के कितने गंभीर हो गए। वो जाहिर सी बात है पूरे मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए टालने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें जो गोरख धंधा चल रहा है और उस गोरख धंधे से जो उनके कह सकते हैं अवैध कमाई हो रही है, एक पूरा सिस्टम के बीच वो अवैध कमाई बढ़ रहा है, इसलिए उनको इस बात का जरा भी एहसास या फिक्र नहीं है कि उनके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि ऊपर के लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं और नीचे के भी लोग इनके साथ मिले हुए हैं। अब ऐसे में PMO को चिट्ठी लिखे हुए भी कुछ दिन बीत गए और उधर से भी कोई जवाब नहीं आया, तो सिस्टम कैसे काम कर रहा है ये आप भी समझ सकते हैं। अच्छा पूरी बात हो गई, एक बात बताइए, क्या एरिया मैनेजर साहब ने इस बात का खंडन किया कि हाँ दिलीप बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है?
जो कोयला के लिए ऑक्शन हुआ वही कोयला जा रहा है, मैं लिखित तौर पर गारंटी एकदम डंके की चोट पर कह दे रहा हूँ, हाँ वही कोयला जा रहा है, चेक कर लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए जाकर के। देखिए ऐसा कोई बयान उनके तरफ से नहीं है, बयान ये है कि हाँ पीएमओ को चिट्ठी गई है शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है। अब कोई भी शिकायत कर सकता है, इस पे ना कोई मैं टिप्पणी कर सकता हूँ ना कोई मैं प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। तो ना कोई टिप्पणी कर सकता है और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे सकता है, ऐसा तभी होता है जब आपके मन में चोर है और आप कुछ गलत कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कुछ भी बोलेंगे और कुछ ऐसे बोल देंगे जो मीडिया में खबर बनेगी तो उनके सामने वो फंसने वाली समस्या, मतलब वो चेक नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि उनको पता है। देखिए उनको पता है कि एक तो ठंड का मौसम है, रजाई की गर्मी किसको पसंद नहीं है, एक बात बताइए, फर्स्ट क्लास रजाई ओढ़ करके वो सुतल है, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। और उनको पता है कि भैया ये चार लोग बैठे हैं हम लोग, आप पांचवे उधर पीछे बैठे हैं आपके साथ शिकायत करता, हम पांचों में से कोई मायका लाल नहीं है जो उनकी नौकरी को इधर से उधर कर सकता है, का है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है भैया, ठीक है, करें चाहे नहीं करें, तनख्वाह तो आनी है 30 तारीख को, टें टें मैसेज बच जाएगा, इतना क्रेडिटेड ऑन योर अकाउंट, समझ गए। तो कुल मिलाकर के उनको पता है कि भैया जब कुछ बिगड़ना है ये नहीं है तो करते रहिए शिकायत, सही बोल रहे हैं ना दिलीप, गलत बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कई ऐसे उदाहरण मिले हैं, आप देखिए बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी टीके लाहिड़ी, पूर्व डायरेक्टर टेक्निकल डीसी झा, इनके ऊपर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है, टिपर घोटाला है, कई सामानों की खरीद के घोटाला है, सीधे तौर पे धनबाद के सीबीआई कोर्ट में इनके ऊपर मामला भी चल रहा है, लेकिन क्या हुआ, ये रिटायर कर गए, आराम से घूम रहे हैं, जिस दिन तारीखें पड़ती है वो न्यायालय आ जाते हैं। तो आखिर ऐसे सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है कि इस तरह के गोरख धंधे पे लगाम लगाया जाए। एक फाइनल कमेंट आपके साथ जो शिकायत करता हूं उनसे भी ले लीजिए, क्या लगता है हिम्मत हार रहे हैं या अभी भी हिम्मत है, न्यूज 11 भारत इस लड़ाई में उनके साथ है? देखिए हम भी आपके साथ हैं, आपने इतनी बड़ी हिम्मत करी है, तो क्या लगता है आने वाले समय में इसको इस लड़ाई को मुकाम तक ले जाएंगे या फिर बैठ जाएंगे? कोशिश पूरा रहेगा, लड़ाई लड़ना है, अगर कानूनन तौर पर भी जाना हो जिस तरह से भी जाना हो जाया जाएगा, और अपने स्तर से भी हम तो बोल ही रहे हैं कि लोड नहीं होने का किसी भी हाल। पूरा ये गोरख धंधा है, पूरा धंधा सारा सिस्टम बना हुआ है, ये तो अभी एक रैक का है, ये तो बस मतलब प्राइवेट रैक का है, सरकारी रैक जो पावर प्लांट्स को जाता है, जो आप लोग बात कर रहे थे अभी क्रशिंग को लेकर के, तो जो भी ट्रांसपोर्टिंग का टेंडर निकलता है क्रशिंग अगर उसमें इंक्लूडेड है तो एक 0-1 का एक लीड होता है जो 17-18 रुपये मिलता है, जो एक सब ट्रांसपोर्टर्स को मिलता है विद क्रशिंग जो लोग रहता है, तो उसमें वो जो 0-18 का जो लीड होता है, जो 17 रुपया 18 रुपया 20 रुपया जो भी हर जगह का जैसा रेट रहता है उस पर, वो पैसा तो पूरा बच रहा है उसको, ट्रांसपोर्टर को डेली का 5-4 लाख का कमाई रखा हुआ है वो हर साइडिंग का ट्रांसपोर्टर। अगर क्रशर नहीं चलता है तो? क्रशर चलता है, दो तीन घंटा आपके लिए चल रहा है, पब्लिक के लिए चल रहा है, रात में आप देख के जाइए, एके सिंह से हमारी बात हुई थी तो वो तो खुद बोले कि अब दिन भर तो हम देखते हैं, रात में हम थोड़ी देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जब अधिकारी खुद बोल रहा है कि हम रात में नहीं देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आप समझिए। ना ना एके सिंह साहब मस्त आदमी है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया आदमी है एके सिंह साहब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो हमारे शिकायतकर्ता महोदय हैं अजीत सिंह साहब, ऐसे लोग इस सिस्टम में जरूरी है, जिंदा कौमों का जिंदा दिखना बेहद जरूरी, कम से कम मैं सुकून से कह सकता हूं हाँ मैं जिंदा हूं, अजीत जी सुकून से कह सकते हैं कि हाँ वो जिंदा है, वो आवाज उठा रहे हैं। अब उन जिंदा कौमों को अपने जिंदा होने का सबूत देना है जो कि सिस्टम में बैठे हुए हैं, जैसे मिस्टर एके सिंह, और एके सिंह के साथ साथ जैसे कोयला मंत्रालय, क्या है कि ऐसे लोग जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सांस भी लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आप जिंदा नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को साबित करना पड़ेगा कि आप जिंदा हैं, और वो कैसे साबित करना पड़ेगा ये मैं तो देखिए थोड़ा मूढ़ आदमी हूं, मूर्ख आदमी हूं, शब्दों का चयन भी प्रॉपर नहीं करता, मैं नहीं बता सकता, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों को देखिए अपनी अंतरात्मा की खुराक आप लोग कैसे दीजिएगा, क्या भ्रष्टाचार अंतरात्मा को खुराक देता है, आपको आसानी से नींद आ जाती है, रात में आराम से सो लेते हैं, या फिर आपको लगता है आप अपने बच्चे को जब गोदी में उठाते हैं उसे स्कूल पहुंचाते हैं तो बच्चा आपसे सवाल पूछता है कि क्या पापा आप ईमानदार हैं, तो आप उसको ईमानदारी से जवाब दे देते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि जवाब दें तो ऐसे खेलों पर रोक लगाइए, तो आपकी भी शान बनी रहेगी और लगेगा कि हाँ आप जिंदा हैं, जिंदा रहना बेहद जरूरी है, बस इतनी सी बात है। बहुत शुक्रिया दिलीप, अजीत सिंह साहब का भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुनील तिवारी साहब, बहुत शुक्रिया सुशांत मुखर्जी दा,
जरूरी है अजीत सिंह का साथ देना, जरूरी है ऐसे लोगों के साथ में खड़ा रहना, आप कुछ ना कर सके फिर भी उनके पीछे खड़ा रहना कि हाँ हम हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण ही ये झारखंड है, और झारखंड का रहना बहुत जरूरी है। झारखंड है तभी आप हैं, झारखंड है तभी हम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।